हमारे पास एक जानकारी आई है, ओम प्रकाश है जो दुष्यंत के दीवाने हैं और दुष्यंत भगत इनको कहते हैं और दीवानों में शामिल है, अजूबों में शामिल है। चलान कट गया साहब आपका, क्या करेंगे? मेरी मोटरसाइकिल आ रही थी जी। मेरे से पहले दो गाड़ी गई बीजेपी की। अच्छा। तो मैंने कहा मैं ये जाल लाग रही मोटरसाइकिल, झंडे लगा रहे थे वे चार। अच्छा। माइन का चलान काट दो आप। यह रणदीप सुरजेवाला की दो गाड़ी गई कार। अच्छा। कार झंडे लग रहे थे। अच्छा। माइन का क्यों काट दे? एक गरीब घर से जन्म ले रखा नंगे पैर रहा हूं मैं, गरीब करके यू चलान काट रहे। खुद एसपी ने दौरा खड़े होगा चलान कटवाया। एसपी ने कटवाया। घबराई हुई है सरकार, भारी बहुमत से जीत का आएगा। एक सुनो, आपकी आपकी बाइक तो चली गई और अब आप प्रचार कैसे करेंगे? प्रचार करेंगे हम, दूसरी मोटरसाइकिल लाएंगे। लेकिन की है या फिर वैसे चलान कटा है? चलान काट दिया एसपी ने, चलान काट दिया। चलान काट दिया यानी कि दूसरों के गाड़ियों पर झंडे लगे थे उनके कटे नहीं? उनके कटे नहीं। आपका चलान काट? दबाव है सरकार का ऊपर से, घबराई हुई है सरकार। दिग्विजय चौटाला जीत रहा है, उसके बखड़ाई हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ये चलान काट दिया गया है। ओम प्रकाश जो दुष्यंत के दीवाने हैं, अजूबों में शामिल हैं, भगत हैं, नंगे पैर वो चलते हैं और प्रचार वो करते रहे हैं लंबे समय से। और इसकी इसके जिम्मेवार सरकार होगी, उसमें 10,000 का सामान है, लाउड स्पीकर है, बैटरी है, बैक है। अगर जब उसका कोई घटना होगी या कुछ सामान का होगी, उसकी सरकार बीजेपी सरकार होगी या एसपी जिम्मेवार होगा। चलिए, तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं समर्थक, थोड़ा नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। चलान काट दिया गया, भेदभाव पूर्ण रवैया है, सरकार की साजिश कह रहे हैं साफ तौर पर। सरकार साजिश कर रही है। एक बुजुर्ग है, 85 वर्षीय बुजुर्ग है जी, आप भी साथ में थे? हाँ, साथ में। तो आपने नहीं रिक्वेस्ट किया एसपी साहब? हाथ जोड़े जी, हाथ जोड़े। हाँ जोड़े, मगर जो बोला इसका चलान तो काटवाएंगे। अच्छा। मगर बोला वाल जाओ परमिशन मकाम कल न ले जाएंगे, नहीं आप बंद कर जाएंगे। अच्छा। तो माफी दे दी है, अगर नहीं हमने जिंदे हाँ हमने चलान तो काटना काटना भाई, आप हमने काट दिया हमारा। तो ये कहीं ना कहीं जैसे ओम प्रकाश ने इशारा भी किया, सरकार की बौखलाहट इसको कह सकते हैं, ये बौखलाहट थी जिसके चलते इनकी जो बाइक है जिसको इन्होंने सजाया था, झंडे लगाए थे, डैक लगाया था, दुष्यंत के गाने उस पर बजते थे और गांव गांव जाकर प्रचार कर रहे थे, इनको निराशा जरूर हुई होगी और ऐसे में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये तमाम प्रकार के जो घटनाक्रम हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होगा तो गतिविधियाँ तेज नजर आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दिलचस्प चुनाव है और सियासी पारा चरम पे है। सत्ता का यह सेमीफाइनल है, बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, बहुत सारी उठा पटक होंगी। तमाम प्रकार की घटनाक्रम देखने के लिए आप संसार क्रांति न्यूज के साथ जुड़े रहे, पल पल की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। जींद से जेजेपी कार्यालय से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।